आज अकवीम सदी दौर वन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन सून कश्मीर हा पूरे हिंदुस्तान हा डिजिटल मगर अकवीम सदी दौर मे खसान डिंगी वचा टू कंडी अपर पजल पोरा अच्छा लगा सोत घंट अगर पेशेंट आ बिल्कुल मान सज हालत गाड़ी सी हालत तो पेशेंट बात ही सोमो स्टेडन एजेंट डिंगी वचा सोमो स्टेड मे ना कह गाड़ी मान पजलपुर पकुन यानी कि ये रोड अत यूत खराब है मसा मसा दखत सनम हचेपुर तुम ज्यादा ज्यादा हचेपुर तुम ये गाड़ी पकड़ ये क्या आ गाड़ी और वह गाड़ी ये बंपर तुम ये फिर आज का डिलीवरी केस आज का पेशेंट आज का अत लगा तकरीबन तकरीबन जो घंट पजलपुर टू ये तम लगा जो घंट कम से कम यानी कि ये जन वन मिनटन सफर अमन गुजारिश कर ये कर जल्दी पहम लोन बहुत गरीब अख शख्स मे कार बार अथ पे ये बीर जीन कि बह लाग पन्नस अयालस मे गा खश बहुत खसान मे गई नुकसान वह फिर मे गो वह फिर नुकसान अतर खसान गाड़ पट से फटा गाड़ से फटा अत गो ओत फुट मे फ्रेम फ्रेम मे लोग लक्ष रुप गाड़ सोन सोन मिसाल तौर यह मानू अस कर वह ना अड़े ये कह गाड़ी अब इस लार लार पे गाड़ गाड़ कर लार लार पे गरा हप यारब कि गुन गरा यप सोन तो सोन गरा रेशपुर नाल यप त्रियो मज गाड़ पे थानी सोन अगर मे वो सोन अस कर ठीक सोन जाय सोन मेन अड़ ये गर ये गर ये कहान मतलब ये गर ये कड़ा कह ये छप कर सारी मैं आपको एक चीज बताऊंगी मैं आवाज़ हूँ होप फॉर होपलेस पीपल की तस्लीमा अख्तर ये प्रोटेस्ट आज मैंने ही इसलिए निकलवा ये प्रोटेस्ट आज के लिए ही नहीं रहेगा ये बराबर एक हफ्ते के लिए ये प्रोटेस्ट रोज़ निकलेगा डे बाई डे क्योंकि टोटल दो महीने सीजन के रहे हैं जो इन दो महीनों में मैग्नमाइज्ड रोड्स हो सकते हैं मेरे गरीब आवाम को ये नहीं चाहते हम ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए मैं रोज़ यूथ को काउंसलिंग करती रहती हूँ अपने छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स खोलो ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे आप अच्छे कामों में लग जाओगे और आपको गुर्बत भी दूर हो जाएगी। अब मेरा जो यूथ है ये आया है गरीब आवाम कम से कम यहाँ मेरे ऊपर भी 6 स्टैंड है और यहाँ पर डंगी बचा में भी 1 स्टैंड है। बदकिस्मती से अभी तक हमें यहाँ पर प्रॉपरली इन कम से कम 70-80 गाड़ियाँ जो अपर बेल्ट की है डंगी बचा से कंडी इलाके की जो चलती है उनको कोई भी स्टैंड यहाँ पर अभी तक प्रॉपरली है ही नहीं। सोमो स्टैंड इनको बहुत बेइज्जती उठानी पड़ती है उनको जो कोई भी आता है ये टर्न लेते हैं मामूली इस तरफ से इनको सवारी उठानी होती है या छोड़नी होती है तो उनको उस पर भी गाड़ियां सीज होती रहती है। तो मैं अपने इन भाइयों के साथ खड़ी हूं हम तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। यहां से देखा जाएगा चनम से लेके जथन तक अभी जो सिंगल रोड इन्होंने बनाया कम से कम 5-6 किलोमीटर का फासला है यहाँ से गाड़ी जाती है उसको बीच में कोई गाड़ी आई या तो यहाँ जाती हुई गाड़ी को 3 किलोमीटर ब्रेक आना पड़ता है साइड देने के लिए या जो ऊपर से आती है उसको 3 किलोमीटर ब्रेक जाना पड़ता है साइड के लिए। अब बारिशों का मौसम आए हमें यह भी देखना है कभी अल्लाह बचाए रिवर्स गाड़ी में जाने को उसको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है उसकी जिम्मेदार कौन रहेगी R&B डिपार्टमेंट रहेगा R&B गवर्नमेंट रहेगी। अब हमारी यही LG साहब से और DC साहिबा से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट रहेगी रफीआबाद कंडी बेल्ट को ध्यान दिया जाए चाहे वो रफीआबाद की कंडी बेल्ट कुंगरूसा ब्लॉक हो या वो रोहमा की अपर साइड खुशीपुरा का ब्लॉक हो दोनों साइडों का रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। अगर गवर्नमेंट बोलता है हमने उनको पेमेंट की है अगर पेमेंट दिए तो हमें क्यों नहीं फिर इंसाफ मिल रहा है। आज तक हमारे जो पेशेंट है वो भुगत रहे हमें महरूम किया है इन फैसिलिटीज़ों ने जो फैसिलिटीज़ हमारे लिए दी गई है आज तक गवर्नमेंट पूरी तरह से उन पर नहीं उतर आ रही है। तो आखिर हम गवर्नमेंट से ही डिमांड करेंगे हमें इनकी आवाज़ बनकर इसलिए सामने आना पड़ा मुझे सोशल मीडिया के जरिए हम गवर्नमेंट तक ये अपनी अपील पहुँचा रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट पहुँचा रहे हैं अपने पूरे गरीब आवाम की तरफ से। ये जो मेरा यूथ है गरीब यूथ ये अच्छी काम में इन्वॉल्वमेंट इस टाइम हो रहा है ये चाहते हैं हम बिजनेस करें गवर्नमेंट को भी इन पे इनके सिर पे हाथ रखना चाहिए ना कम से कम इनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए इस टाइम क्योंकि ये कोई ऐसी काम नहीं कर रहे जो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे साइड की जो 70-80 गाड़ियाँ चल रही सोमो की
उनमें से वो बहुत सारी गाड़ियाँ जो टूट गई है, बेचारे दिन को अगर 1000 कमाते हैं, इनको कम से कम बैलेंस उसमें कुछ होना चाहिए। उनको शाम को वो रिपेयरिंग के लिए वो पैसे लगते हैं, कब तक हम ये सहेंगे ये जुल्म? 5 साल से अभी तक हमारा रफ़ियाबाद रोड कम्प्लीट नहीं हो रहा है। आज हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रफ़ियाबाद में जारी रहेगा। आज तो हमारे ये ड्राइवर्स ब्रदर्स यहाँ पर खाली सामने हैं, कल से पूरी रफ़ियाबाद की आवाम रहेगी, क्योंकि रफ़ियाबाद का अपर बेल्ट जो कंडी बेल्ट है वो पूरी लोअर बेल्ट को लेके पानी दे रहा है। हम पूरा वो पानी भी बंद करवा सकते जब हम रोड से महरूम रहे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पब्लिक को, पब्लिक सोचती है अपर बेल्ट की, जब हमें रोड नहीं दिया जाएगा हम इनको पानी काटेंगे, ताकि तब शायद लोअर बेल्ट भी हमारे साथ जुट जाएगा रोड की डिमांड में। मगर कम से कम गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें क्राइसिस नहीं बननी चाहिए, हमें आपस में ऐसे इश्यूज नहीं उठने चाहिए जो हम कंडी बेल्ट और लावर बेल्ट आपस में इनको दो चार होना पड़े। हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमें इस चीज़ का साथ दे। सिर्फ 2 महीने हैं काम करने के जो मैग्नमाइज्ड हो सकते हैं रोड्स, इन 2 महीने में वो पूरी उस पर कम से कम ध्यान दे अपर बेल्ट के रोडों पर। थैंक यू।